फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं एक पावरफुल सोलर इन्वर्टर जो कि आता है ईस्टमैन कंपनी की साइड से। फ्रेंड्स, ये ईस्टमैन का डायमंड सीरीज का सोलर इन्वर्टर है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इस इन्वर्टर के क्या क्या फीचर हैं, क्या क्या फंक्शन है, इस इन्वर्टर पे हम कितना लोड चला सकते हैं, इसके ऊपर हम कितनी बैटरी लगा सकते हैं और कितने सोलर पैनल लगा सकते हैं। और फ्रेंड्स, हम ये भी देखेंगे कि इसके साथ में हमें कितने साल की वारंटी देखने को मिलेगी। और फ्रेंड्स, फाइनली जो है इसको हम कहाँ से खरीद सकते हैं, यानी कि ईस्टमैन का प्रोडक्ट हम कहाँ से खरीद सकते हैं, तो ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसको अनबॉक्स कर लेते हैं, इसकी पैकिंग देख लेते हैं कैसी इसकी पैकिंग दी गई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बॉक्स के अंदर अच्छे से पैकिंग होके आता है और इसके बाहर पे एक पॉलीथीन का रैप और किया हुआ था जो कि हमने पहले ही उतार दिया है। अगर हम इसके साइड पैनल की बात करें तो यहाँ पे एक स्टिकर दिया गया है जिसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी हुई है, पार्ट का नंबर लिखा हुआ है यानी कि कौन सा मॉडल नंबर है, सीरियल नंबर है, और इसके बारे में और जानकारी दी गई है जैसे कितना वेट है, कितना इसका साइज है, सारी डिटेल हम आपको एक स्क्रीनशॉट के थ्रू दिखा देते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको जब हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तीन बैटरी को सीरीज में कनेक्ट करने के लिए लीड दी गई है, केबल दी गई है जिसको जो कि जब बैटरी को हम जोड़ेंगे तब हमारे ये काम आने वाली है, जो कि इन्वर्टर के साथ में ही दी गई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक अच्छी मोटी लेयर वाले जो सीट होती है उसके साथ में पैकिंग होके आता है। अभी हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इस इन्वर्टर की पैकिंग कितनी अच्छे से की हुई है, चारों साइड से ये सीट लगा रखी है जिसमें कि ट्रांसपोर्ट में टूटने वगैरह का, डैमेज होने का कोई खतरा नहीं रहता है। मान लीजिए आप इसको ऑनलाइन मंगवा रहे हैं तो आपको ये डरने की ज़रूरत नहीं है कि आपका जो प्रोडक्ट आएगा वो टूट जाएगा या कुछ अलग दिक्कत आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, इसको भी हम अनबॉक्स कर लेते हैं यानी कि इसको खोल लेते हैं। फ्रेंड्स, खोलने के बाद इन्वर्टर के ऊपर भी एक पॉलीथीन का रैपिंग किया हुआ है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ट्रांसपोर्ट में अगर मान लो बारिश हो जाती है तो इसके अंदर पानी जाने का बिल्कुल भी खतरा नहीं रहता है। तो हम इसको भी रिमूव कर लेते हैं और फिर देखते हैं इसके क्या क्या फीचर हैं, क्या क्या फंक्शन है और सारी डिटेल हम आपको देने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये है ईस्टमैन कंपनी का डायमंड सीरीज का MPPT PCU सोलर इन्वर्टर। एक बार हम इसका लुक देख लेते हैं उसके बाद में हम इसके फंक्शन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये एक कंट्रोल पैनल दिया गया है और नीचे येलो कलर में फिंक्स दी गई है जिससे कि इसके अंदर एयर जाएगी और कूलिंग के लिए अच्छा सिस्टम बनाया हुआ है। अगर हम इसके साइड पैनल की बात करें तो यहाँ पे भी जाली नुमा एक कट बनाए हुए हैं इसके अंदर एयर जाने के लिए। यहाँ पे एक टेक्निकल स्पेसिफिकेशन दी गई है, वो हम आपको बाद में बताएंगे। अगर हम इसके दूसरी साइड की बात करें तो यहाँ पे भी फिंक्स बना रखी है जो कि इसके लिए कूलिंग के लिए अच्छी बात है। और अगर हम पीछे की बात करें तो यहाँ पे इसके कनेक्शन वगैरह का कंट्रोल पैनल दिया गया है कि क्या क्या इसके अंदर कनेक्शन करने हैं और किस तरह से आउटपुट सप्लाई लेनी है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम इस इन्वर्टर के फंक्शंस देख लेते हैं, क्या क्या इसके फंक्शन हैं। हम आपको थोड़ा नज़दीक से दिखा देते हैं। इसका ये फ्रंट पैनल है और यहाँ पे जो कंट्रोल पैनल है उसको हम आपको नज़दीक से दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है इस इन्वर्टर का फ्रंट साइड का कंट्रोल पैनल और फीडबैक पैनल। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारी इंडिकेटिंग लाइट दी गई है जैसे कि सिस्टम ऑन, इन्वर्टर ऑन, SPV चार्ज, ग्रिड चार्ज और भी काफ़ी सारी इंडिकेटिंग लाइट यहाँ पे दी गई है। और यहाँ पे एक डिजिटल डिस्प्ले देखने को मिल जाती है आपको। इसके अंदर सारा डाटा आएगा कि कितने वोल्ट चल रहे हैं, कितने यानी कि ग्रिड से चार्ज हो रहा है, कितनी वोल्टेज आ रही है, बैटरी में कितनी वोल्टेज है, सोलर पैनल की कितनी वोल्टेज है, मतलब कि जो डाटा होता है वो सारा डाटा इस डिस्प्ले में आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आप देखेंगे तो चार बटन आपको देखने को मिलेंगे। इसके अंदर कौन सी सेटिंग आपको चेंज करनी है, कौन सी सेटिंग आपको रखनी है, जैसे कि हाइब्रिड मोड रखना है, PCU मोड रखना है या फिर आपको इसको स्मार्ट मोड रखना है, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। बैटरी कौन सी रखनी है वो आप यहाँ से रख सकते हैं। बैटरी की वोल्टेज, ओवरचार्ज, करंट सब कुछ यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके नीचे यहाँ पे एक पुश बटन दिया गया है जो कि इस इन्वर्टर को रीसेट करने के लिए यहाँ पे दिया गया है। मान लीजिए कोई फॉल्ट आ जाता है तो इसकी सहायता से आप इसको रीसेट करके रीस्टार्ट कर सकते हैं। और इसका डाटा लेने के लिए यहाँ पे एक पोर्ट दिया गया है जो कि आप डिजिटली टाइप इसका डाटा ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था फ्रंट साइड का फंक्शन। अभी हम इस इन्वर्टर के बैक साइड में देखते हैं क्या कुछ देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये है इन्वर्टर का बैक साइड का पैनल। यहाँ पे आप सबसे पहले देखेंगे तो एक रोटरी स्विच आपको देखने को मिल जाएगा इन्वर्टर मोड और बाईपास मोड में। वन नंबर पे इन्वर्टर मोड आ जाता
जाता है और 2 नंबर पे बाईपास मोड आ जाता है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो एक फ्यूज बॉक्स दिया गया है और इसके नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक फ़ैन दिया गया है जो कि इसके अंदर कूलिंग को बना के रखेगा। और यहाँ पे आप देखेंगे तो एक आउटपुट सॉकेट मिलेगी जहाँ से हमारी पावर जो यूज़ करते हैं वो वाली पावर यहाँ से मिलने वाली है। अगर हम नीचे की बात करें तो 3 MCB लगी हुई हैं, 1 MCB डबल पोल की है ये, और बीच वाली सिंगल पोल की है, और ये इधर वाली भी डबल पोल की है। जो ये वाली है फ्रेंड्स जिससे हम इसको चार्ज करते हैं, मेंस ग्रिड से पावर सप्लाई लेते हैं, वो वाली है MCB है, और ये सोलर पैनल की MCB है, और ये बैटरी के लिए MCB है। अगर हम बैटरी को डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं तो इस MCB को ऑफ़ कर देंगे तो बैटरी को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स ये केबल निकाली हुई है रेड एंड ब्लैक जो कि बैटरी जोड़ने के लिए है। फ्रेंड्स इसके टर्मिनेशन करने के लिए हमें ये जो सेक्शन बनाया हुआ है इसको खोलना पड़ेगा, इसके नीचे टर्मिनल दिए हुए हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसके नीचे यहाँ पे एक अर्थिंग के लिए एक नट बोल्ट बनाया रखा है, यहाँ पे आप अर्थिंग भी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम इसको ओपन करके आपको टर्मिनेशन वगैरह दिखा देते हैं। तो फ्रेंड्स अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं ये टर्मिनल यहाँ पे दिए गए हैं और ये 2 केबल निकाली गई है बैटरी के लिए, ये 2 केबल बैटरी के ऊपर जुड़ जाएगी। और यहाँ पे आप देखेंगे तो एक इंडिकेटर आपको देखने को मिलेगा, इस पर लिखा हुआ है SPV रिवर्स। मान लीजिए आपने पॉजिटिव की जगह नेगेटिव कनेक्शन कर दिया और नेगेटिव की जगह पॉजिटिव कनेक्शन कर दिया तो उसमें क्या है ये इंडिकेटिंग लाइट है ये ब्लिंक करने लग जाएगी और उससे हमें पता लग जाएगा कि कनेक्शन हमारे गलत है तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर बैटरी रिवर्स का भी इंडिकेटर दिया हुआ है, अगर बैटरी के कनेक्शन भी उल्टे लग जाते हैं तो ये इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स ये थी इसके टर्मिनल की डिटेल, आपको यहाँ पे 3 MCB भी देखने को मिल जाएगी। फ्रेंड्स अभी हम बात करते हैं इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में, उसके बाद में हम इसके फीचर के बारे में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स ये है इस इन्वर्टर की टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, आप यहाँ पर देख सकते हैं ईस्टमैन की ब्रांडिंग की हुई है, सोलर ऑफ ग्रिड MPPT PCU है ये, इसका मॉडल नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं EDM 3000x48V। इसकी जो रेटिंग है फ्रेंड्स वो 3 kVA की है और जो इस इन्वर्टर की सीरीज है वो डायमंड सीरीज है और जो इसके अंदर बैटरी कनेक्ट करने वाले हैं वो हम 48 वोल्ट वाली सिस्टम करने वाले हैं। और फ्रेंड्स इसके साथ में इनपुट वोल्टेज रेंज है जो MPPT के लिए वो 80 वोल्टेज से लेके 230 वोल्टेज DC रहने वाली है। और फ्रेंड्स इसके साथ में आप 3 kW के पावर व 3 kW के सोलर पैनल कनेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें आउटपुट जो वोल्टेज निकलेगी वो 220 वोल्टेज AC निकलने वाली है, इसकी जो आउटपुट फ्रिक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज़ रहने वाली है। और फ्रेंड्स इसके अंदर जो इनपुट AC वोल्टेज देनी है हमें, IT मोड अनेबल होगा उस टाइम पे, तो हमें 175 से 255 तक ही देनी है। अगर IT मोड डिसेबल होगा उस टाइम पे हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं 120 से लेके 280 वोल्टेज AC सप्लाई को, और इसके अंदर का टेम्परेचर हम 0 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस रख सकते हैं। और फ्रेंड्स इसका जो प्रोटेक्शन है वो दी गई है IP21, और फ्रेंड्स यहाँ पे इसका सीरियल नंबर दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स अभी हम इसके फीचर के बारे में बात करते हैं, इसके अंदर क्या क्या फीचर मिलते हैं। तो फ्रेंड्स इस इन्वर्टर के साथ में हमें एक ये यूज़र मैनुअल गाइड देखने को मिल जाती है, इसके अंदर सारी जानकारी इस इन्वर्टर की दी गई है, जैसे इसके अंदर क्या क्या फंक्शन है, इसकी सेटिंग कैसे करनी है, इसके कनेक्शन कैसे करने हैं और इस इन्वर्टर के क्या क्या फीचर दिए गए हैं। अब हम फीचर की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके ऊपर हाईलाइट किया गया है, ये है ईस्टमैन का डायमंड सीरीज़ का MPPT PCU। इसके ऊपर सबसे ऊपर लिखा हुआ है ये इन्वर्टर प्योर साइन वेव इन्वर्टर है। सेकेंड नंबर पे लिखा हुआ है इसके अंदर MPPT चार्ज कंट्रोलर लगा हुआ है। थर्ड नंबर पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स मैक्सिमम प्रेफरेंस टू सोलर पावर। और फोर्थ नंबर पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स USB बेस्ड मॉनिटरिंग। नेक्स्ट देख सकते हैं 30 डेज डाटा लॉग्स। तो फ्रेंड्स ये अपना जो पास्ट का 30 दिनों का डाटा सेव करके रखता है वो आप इससे ले सकते हैं डिजिटली टाइप में। और भी काफ़ी सारे इसके फीचर दिए गए हैं, आप इसको पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं कि इसके ऊपर कितनी बैटरी लगेगी और कितने सोलर पैनल लगने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं इसके साइड में जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन दी गई थी उसके ऊपर लिखा हुआ था 48 वोल्टेज बैटरी, यानी कि हमें इसके ऊपर 12 वोल्ट वाली 4 बैटरी सीरीज में कनेक्ट करनी पड़ेगी। तो इसके ऊपर हम 4 बैटरियों को लगाएंगे जिससे कि हमें बैकअप भी ज़्यादा मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं इसके ऊपर हम कितने वाट तक के सोलर पैनल लगा सकते हैं। इसके ऊपर फ्रेंड्स हम 3000 वाट यानी कि 3 kW तक के सोलर पैनल लगा सकते हैं,
जो कि इसकी जो वोल्टेज रेटिंग होगी 80 वोल्टेज से 230 वोल्टेज डीसी होनी चाहिए, तभी वो काम करेंगे। यानी कि हमारे पास मान लीजिए दो पैनल है, तो उनको आप सीरीज में कनेक्ट करके उसकी वोल्टेज को बढ़ाना है और उसके बाद इसके ऊपर कनेक्ट करना है। सिंगल पैनल अगर आपका 48 या वोल्टेज है, उसको आप इसके ऊपर कनेक्ट नहीं कर सकते, आपको इसके लिए दो पैनल लेने ही पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं ईस्टमैन कंपनी के ही सोलर पैनल की। तो हमारे पास दो ईस्टमैन कंपनी के सोलर पैनल है, उनको हम इसके साथ में कनेक्ट करेंगे, और चार हमारे पास ईस्टमैन की बैटरी है, उसको भी हम इसके साथ में कनेक्ट करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, इंस्टॉलेशन की वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबी हो रही थी। अब हम बात करते हैं इस इन्वर्टर के ऊपर हम कितना लोड चला सकते हैं, सबसे मेन बड़ी बात यही होती है। तो फ्रेंड्स, ये जो इन्वर्टर है 3 KVA का इन्वर्टर है, आप इसके ऊपर 3 KVA तक का लोड चला सकते हैं, यानी कि आप इसके ऊपर 2400 वाट तक का लोड चला सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इस इन्वर्टर के साथ में हमें कितने साल की वारंटी देखने को मिलेगी। फ्रेंड्स, इसके साथ में आपको 24 मंथ की वारंटी देखने को मिलेगी, यानी कि 2 साल की वारंटी आपको इसके साथ में मिलने वाली है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं अगर हमें ईस्टमैन का कोई भी प्रोडक्ट खरीदना हो, या फिर ये सोलर पैनल खरीदना हो, बैटरी खरीदनी हो, या फिर सोलर इन्वर्टर खरीदना हो, तो कहाँ से खरीदेंगे। फ्रेंड्स, डिस्प्ले पे एक नंबर चल रहा होगा, ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर है, इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके डायरेक्ट ये परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन। अगर आपके नज़दीक में ईस्टमैन कंपनी के डीलर हैं या दुकान है, शॉप है, तो वहाँ से जाके भी आप ईस्टमैन के प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपने देखा ईस्टमैन कंपनी के इस MPPT PCU के बारे में, इसके क्या क्या फीचर हैं, क्या क्या फंक्शन हैं, कितने साल की वारंटी आपको देखने को मिलेगी, कहाँ से आप इसको खरीद सकते हैं, कितने सोलर पैनल लगा सकते हैं, कितनी बैटरी लगने वाली है, और इसके ऊपर हम कितना लोड चला के देख सकते हैं, सारी जानकारी हमने आपको दे दी है। इस नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये इंस्टॉल करके दिखाएंगे कि कैसे इसको इंस्टॉल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।